नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए आज 26 वर्ष की महिला के का अध्ययन करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका क्वेश्चन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये घर पर है अच्छे परिवार से हैं लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आगे की लाइफ के बारे में ये जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी अच्छी रहेगी कि नहीं हतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इंडिपेंडेंट होने का बहुत शौक है इसी के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया मेहनत भी कर रही हैं नौकरी प्राप्त करने हेतु और भी क्या क्या चीज़ें अतली पर अवस्थित है इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और नौकरी होने के योग हैं कि नहीं अधिकारी बनने हैं तो यह जानना चाहती हैं खास करके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी को लेकर भी इनके कंसर्न थे बाद बाकी सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं अगर अगर हैं तो किस आयु में होंगे और कितनी बड़ी नौकरी होगी तो आप बिल्कुल चिंता ना करें इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको करूँगा ही और दूसरी महत्वपूर्ण बात शादी हो गई है इनकी और घर में विशेष कोई दिक्कत नहीं है तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो ये तो स्पष्ट है इस प्रकार की हथेली अगर किसी महिला की हो जाए तो ऐसे महिला के किसी घर में जाने के बाद बरकत होती है आपने सुना होगा कि मेरी बहू आई मेरी बेटी आई उसके बाद मेरे घर में बड़ी तरक्की हुई मेरी बहू आने के बाद बहुत तरक्की हुई बेटी आने के बाद बहुत तरक्की हुई बेटी जाने के बाद बहुत, बहुत दिक्कतें हुई तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में आने के बाद कदम रखने के बाद तरक्की ही देखने को मिलती है और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके घर में जाने के बाद दिक्कतें भी होती हैं तो दोनों तरह की बातें हैं वो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है तो इसी प्रकार से कुछ रेखाओं का वर्णन मैं अभी करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस रेखा अनुसार ये रेखा अनुसार अगर आपके हाथ पर भी चीज़ें अवस्थित होंगी इस योग के अनुसार अगर आपके हाथ पर भी ऐसे योग होंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत तरक्की होगी बहुत बरक्क़त होगा इस बात में कोई संदेह नहीं है तो आइए पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं तो पॉजिटिविटी में ना अगर आप जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो हल्की हल्की प्रगति की रेखा है तो ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी होती है लाइफ में तरक्की हेतु ये एक पहले तो मुझे लगा ये भाग्य रेखा है लेकिन मैंने गॉड से इसको देखा तो ये एक भाग्य रेखा का एहसास है लेकिन ये प्रगति की रेखा है ये प्रगति की रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुई है और उसी दरमियान एक और रेखा इधर भी गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं यात्रा की रेखा होती है ये घर से धुल के सेटलमेंट की रेखा होती है भाग्य रेखा इनकी ये वाली हुई और आगे भी ये भाग्य रेखा देखो ये भी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांच है जो कि प्रॉपरली चंद्र से चल के आके यहाँ पर रुक रहे हैं आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है जिंदगी के लास्ट तक है एक बढ़िया सा यहाँ पर एक ट्रैंगल दिख रहा है मुझे और यहाँ पर एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर भी एक ट्राइंगल भी ऐसा करके आप नाप सकते हो बाकी यहाँ पर देख लो एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है जो आगे बढ़ रही है सूर्य रेखा इस प्रकार से है आपके आगे मैं विचार करता हूँ इस विषय पर एक से अधिक सूर्य रेखा है पूरे पुण्य रेखा का भी साथ है और एक बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है व्यापार की रेखा होती है धन कमाई की रेखा होती है ऐसे व्यक्ति धन बचाने वाले होते हैं ना कि खर्च करने वाले होते हैं और एक तो पहला कंसेप्ट ये है और दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप धन बचाएंगे तभी जब आपके हाथ पर बचाने के योग होंगे तो ऐसे व्यक्ति के हाथ के ऊपर इस प्रकार के योग अगर हो बुद्ध रेखा हो विजिबिलिटी के साथ हो और एक ट्रायंगल का निर्माण कर ले या ग्रेटर ट्रायंगल बना ले या छोटा सामान्य ट्रायंगल ये बन रहा ग्रेटर ट्रायंगल ये सा बन रहा तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में पैसे आते हैं कि वो बाकी आगे की भी ये अच्छी परोपकारी रेखा है उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं तो शुक्र बढ़िया है दोनों मंगल बढ़िया है लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था को बताती है एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है ज़ातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है इस बात में कोई संदेह नहीं है इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी बहुत कमाल की पॉजिटिविटी रेखाओं के हिसाब में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होंगे तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बेहतर रहेगी खास करके महिलाओं की और हमें सभी को ये सीख लेना चाहिए और अपने घर की माता का बहनों का और धर्म पत्नी का सम्मान जरूर करना चाहिए ये मैं प्रायः बोलता हूं तो चलो ये तो थी पॉजिटिविटी अब नेगेटिव चीज पर विचार करते हैं और एक द्वंद इनके मन में चल रहा था कि इनकी बुद्ध फिंगर बड़ी है या फिर सूर्य फिंगर छोटी है ये बड़ा क्वेश्चन था इनके मन में तो आपकी सूर्य फिंगर छोटी है बुद्ध फिंगर बड़ी नहीं है ये एज यूजल ठीक है बड़ी ही है लेकिन सूर्य फिंगर छोटी है ये कभी कभी क्या होता है कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं बचपन से ही वो एक डिफेक्टिव चीज़ है ये ये आ, पामिस्ट्रिकल सेंस में इसके कोई भी ये नहीं है मतलब इसका कोई भी डिस्कशन नहीं है कभी कभार कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज या मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल टर्मोलॉजी में कुछ ऐसे सिस्ट बॉडी में हो जाते या फिर कुछ ऐसे चीजें घटित हो जाती है जैसे एक फिंगर ना हो फिंगर छोटा होना बड़ा होना तो उस केस में पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी उसको जस्टिफाई नहीं करता तो ये कही कहीं ना कहीं सूर्य फिंगर आपकी छोटी है जिस वजह से ये बुद्ध फिंगर बड़ी लग रही है तो इससे ना कोई साइड इफेक्ट है और ना ही कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है चलिए उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देखूं तो यहाँ पर कुछ दबाव है थोड़े खर्चिले प्रवृत्ति के लेकिन खुद के ऊपर ही करेंगे जैसा मैंने शुरू में कहा बचाने वाली हैं तो फालतू का खर्च नहीं करेंगे ज़रूरी पड़ेगा तभी करेंगे अदरवाइज़ नहीं करेंगी अगर मैं और चीज़ों को देख लूँ और नेगेटिविटी क्या है तो नेगेटिविटी में राहू रेखाएँ तो आपके हाथ पर दिख रही है बहुत लाइट है ये बस आपके सक्सेस में अवरोध करेगा और थोड़ा तनाव रखेगा जैसे आपने मेरे से कहा कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तनाव है एक कंसेप्ट की बात है इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है घरे गर, अच्छे घराने से हैं बड़ा अच्छा नौकरी इनके हस्बैंड का ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है ना ही कभी हो लेकिन फिर भी तनावग्रस्त है तनाव में है इंडिपेंडेंट रहने को लेके इंडिपेंडेंट होने को लेके तो एक, एक तनाव तो यार मानसिक तनाव तो आया समय के साथ सब चीज मिल जाएगा अगर आपके हाथ पर योग होगा तो वो भी मिल जाएगा लेकिन फिर भी तनाव तो आया और यही परेशानी राहु रेखा आपको करेगी नौकरी प्राप्त करने में भी अगर आप नौकरी करने जाएंगे या नौकरी के लिए आप इच्छुक रहेंगे तो अगर आपको परेशानी आएगी किसी वजह से तो यही राहु रेखा की वजह से आएगा ये भी मैं आपको स्पष्टता के साथ बता पा रहा हूं कह पा रहा हूं देख पा रहा हूं तभी दिखा पा रहा हूं तो अब आपको इसी के लिए उपाय करना है यही आपकी नेगेटिविटी है दूसरी भाग्य रेखा कोई खास सक्रिय नहीं थी हालांकि 26 वर्ष की आयु हो ही गई है 30 वर्ष से भाग्य रेखा सक्रिय थी इसके पहले हल्की हल्की थी बहुत बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ अभी नहीं थी तो हालांकि इसको नेगेटिव ले सकते हैं आप लेकिन जो ये राहु रेखा आपके जो तीस बत्तीस साल तक हो गया तो यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा आने वाले समय में नौकरी प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेट ही नहीं होने देगा माइंड बहुत फ्लक्चुएट रहेगा कुछ 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 द्वंद्व और दुविधाएं दिमाग में चलती रहेंगी जिस वजह से आप कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए ही रेमेडी मैं आपको दूंगा आप बिल्कुल चिंता ना करें तो यही नेगेटिविटी थी बाकी कोई खास थी नहीं नॉर्मल थी वो तो मैं बताता रहूंगा समझाता रहूंगा दिखाता रहूंगा अभी इनके हथेली के विश्लेषण करने से पहले इनके जीवन रेखा का अध्ययन हम जरूर से करेंगे तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा और हो गई इनकी लाइफ लाइन अभी ये इंडिपेंडेंट हो गई लगभग ये मान के चलो तेरह चौदह वर्ष में इसके पहले एक यवा आकृति था तो यवा आकृति इंडिकेट करता है कि थोड़े बचपन में कुछ परेशानियां रही होंगी दस से ग्यारह वर्ष की आयु तक कोई समस्याएं आई होंगी अगर मैं आगे देख लूँ तो एक दिक्कत के योग बने थे ये दिक्कत अगर मैं फेस देख पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ जान पा रहा हूँ वर्ष के आसपास था फिर एक बीस में एक दिक्कत था बाईस इक्कीस में एक तरक्की थी बाईस में था तेईस में था ये तरक्की की आयु थी आपकी फिर कुछ ये आपके विपरीत परिस्थिति का योग थे चौबीस पच्चीस छब्बीस फिर सत्ताईस में एक राहु रेखा फिर एक अट्ठाईस में फिर एक तीस में तीस इकतीस 30 30 साल तक तो राहु रेखा है इसका मैं रेमेडी बता दूंगा जिसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और नौकरी प्राप्त करने का योग भी बनेंगे प्रश्न थे किस लेवल की होगी तो क्रेडिट लेवल के होने के योग है धीरे धीरे अधिकारी की तरफ भी आप जाएंगी यूपीएससी के कोई खास योग नहीं बने हैं तो इसके लिए सोचना भी बेकार है बाकी जो होगा उसी की तो बात करेंगे हम तो क्रेडिट लेवल की नौकरी का योग है आप ये कर सकते हैं लेकिन राहु रेखा का उपाय करने के बाद अभी देखो एक चौंतीस पैंतीस में तरक्की है अब नौकरी प्राप्त करने के बाद प्रमोशन्स हो जाए वो एक अलग बात है पैंतीस के बाद एक लगभग आपके चालीस के आसपास है फिर एक बिहार पैंतालीस के आसपास है एक बहुत बड़ी तरक्की आपके बावन में वहीं पर पचास के बाद कुछ यात्रा के योग बने हैं बड़े से बाकी ये दो मुखी जीवन तो बड़ी यात्राओं को बताती है एक और तरक्की के योग अंठावन में है फिर लगभग एक बहत्तर के आसपास उसके बाद भी जीवन रहेगा ठीक है तो लाइफ लाइन में थर्टी थर्टी वन के बाद कोई विशेष समस्या नहीं है तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और नौकरी प्राप्त करने के योग्य है हालांकि तीस इकतीस तक कैसे नौकरी होगी क्या होगी इसके लिए तो मैं आपको सार्थक उपाय जरूर दे दूंगा तो ये इनकी थी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन अभी इनके तरीके आप जनरल अध्ययन करेंगे चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है देखे सीखे समझे तो यहां पर से आ गया स्क्वायर फॉर्म प्लैनेट्स अच्छे हैं राज्यों का कतली है कंफर्टेबल लाइफ रहती है गुलाबी है गद्देदार है जिस भी व्यक्ति कहते गद्देदार हो व्यक्ति की जिंदगी बड़ी स्मूथली कटती है गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती ही है जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है एक जबरदस्त थम्भ है स्ट्रांग इच्छा शक्ति है कुछ लाइंस है जो हल्की फल्की कमजोरियों को बताती है मतलब थोड़ा इरीटेशंस परेशानी तनाव या फिर डरना इस प्रकार की दिक्कत बाकी इच्छा शक्ति प्रबल है आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी डिज़ायर्स के केवल अच्छे लाइन्स बड़े महत्वाकांक्षी है ज़बरदस्त थम्भ है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं ना ही गलत करने वाली ईमानदार प्रवृत्ति के हैं इस बात में भी कोई संदेह नहीं है जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी जैसा मैंने बताया इस सूर्य फिंगर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये बड़ी ही है तो हिम्मत बुद्ध फिंगर भी बड़ी है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की मालिक भी हैं और फिंगर के बीच में गैप है थोड़े खर्च हो जाया करते हैं वैसे दिल की बड़ी अच्छी है दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना ये वाली आपकी मानसिकता है टेंड कर रही है बिज़नेस भी आगे चल के आप कर सकती हैं अगर नौकरी नहीं सार्थक रूप लाई तो आप व्यापार भी कर सकती हैं जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ फिंगर लंबे करें अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है टेंडर करें अच्छी धार्मिक आस्था है नो no डाउट इस बात में भी कोई संदेह नहीं है सटन फिंगर आपके मेहनती होने का परिचय करा रही है मेहनती भी हैं अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो स्क्वायर बत्तीस तक तो ऐसे भी

सभी कुछ लाइन सर नो उट हाँ थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज राहु रेखा वजह से आ रहे हैं बाकी सूर्य पर कुछ त्रिभुज नुमा आकृति का निर्माण है तो प्रॉपर्टी का सुख तो छत्तीस वर्ष के बाद ही मिलेगा और जिंदगी वैसे भी अच्छी रहने वाली है आपकी अब हल्की फल्की समस्याएं तो चलती रहती हैं बाकी बुद्ध पर खड़ी रेखा है दिमाग तेज है सनमर के अच्छी है घर को संभालने वाली अच्छी गृहिणी है और ये पूरे पुण्य रेखा प्रॉपर्टी का सुख को बता रही है दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है पराक्रमी है नो इस बात में भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि दोनों मंगल आपका बहुत ही हाई में दिख रहा है, और बुद्ध एक अच्छी बन रहे हैं, और भाग्य रेखा है बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन ठीक है छत्तीस वर्ष के बाद अच्छी विजिबल है बाकी यहां पर देख लो कुछ हैं। तो योग और कर रहे हैं, एक ग्रेटर ट्रायंगल जैसी आकृति ये वाली बन गई तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख मिलता है थोड़ी सी बुद्ध रेखा का टूटा हुआ होना हल्की फल्की पेड़ की समस्याओं को बताता है तो केयर करें आप बाकी ये सब कुछ यात्रा के योग है जिंदगी पर यात्राएं परस्पर बनी रहेंगी चंद्रमा अच्छा है पैसे के फ्लो आती ही आती है नो no डाउट जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन आयु दीर्घायु है केतु पर्वत विष्णु महाकृति आकस्मिक धन लाभ को तो ये बता आगे की भी ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है ये एक प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी इस राहु रेखा का कुछ तो करना पड़ेगा आपको मैं बताऊंगा बाकी थोड़ा टेंशन लेने का योग इंसान थोड़ा सोचते है सामान्य है बाकी